First of all, may invite here honorable principal sir, the Dhai Kamle Gram professors or students. Assalamu alaikum. जब मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा था मुझे लग रहा था जी मेरा भी कलर किसी और का हो रहा है क्योंकि इतनी बुकें तो मेरे में है नहीं जिस तरह एक्सप्लेन कर दूँ पर कोशिश कर रहे थे कि हम ये पूरी हमारे जो 45 मिनट के अंदर जो है ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा यादगार लम्हा बन जाए कि आज से 3 महीने बाद साल बाद जब भी हम उसको याद करें तो हमें ये लगे कि यार हाँ वो हमारी जिंदगी में कुछ ऐड करके गया था। तो बेसिकली आज हम यहाँ पर जो है तो कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर दें कुछ उसमें एडिशन कर दें ताकि हमारी आने वाली जिंदगी में उससे कोई हमें फायदा हो जाए। इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूँ मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। आपने मेरे साथ इंटरेक्शन करनी है बेसिकली आई एम हेयर टू लिसन यू पीपल आई एम नॉट हेयर टू स्पीक। मैं यहाँ पर बोलने के लिए नहीं आया मैं यहाँ पर आप लोगों से सुनने के लिए आया। हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी जिंदगी के मुताबिक आपके इश्यूज के मुताबिक आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं करियर के हवाले से पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से हम उस पर बात करेंगे। तो आपका इनपुट मुझे ज़्यादा चाहिए होगा जिसको जब जैसे कि लगे कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो आपने फ़ौरन आ जाना है सेशन के एंड का इंतजार नहीं करना। ठीक है नॉर्मली ऐसा होता है कि स्पीकर होते हुए कहते हैं कि सेशन के एंड में आप क्वेश्चन देखिए कामयाब और समझदार इंसान था। वो जब कहीं सफर पे जाने लगा तो उसने अपने 3 स्टूडेंट्स को बुलाया और उसने कहा कि यार मैं जाने से पहले आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है दे दें पहले स्टूडेंट्स को बुलाया और उसने उसको कहा कि यार ऐसे है कि मैं आपको 5 टैलेंट देना चाहता हूँ 5 टैलेंट यानी यूँ समझ लें 5 सोने की थैलियाँ देना चाहता हूँ गोल्ड बॉक्सेस देना चाहता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने इसको रखना है यूज करना है जो भी करना है ये आपकी मर्जी है और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे पूछूँगा कि आपने इसके साथ क्या किया और जो कुछ भी आप करेंगे वो आपने लिख देना है। ठीक हो गया। दूसरे स्टूडेंट को बुलाया उसने उसको बोला कि यार मैं आपको 2 टैलेंट या 2 आवाज आ रही है आपके 2 टैलेंट यही कहने 2 गोल्ड बॉक्सेस सोने के डब्बे आपको दूंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इनके साथ क्या किया। तीसरे स्टूडेंट को बुलाया और उसको उसने कहा कि यार ऐसा है कि आपको मैं 1 गोल्ड का डब्बा यही कहें टैलेंट जो आपको दे के जाऊँगा और वापस आऊँगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इसके साथ क्या किया। तो पहले को कितने दिए 5 दूसरे को 2 तीसरे को 1 वो बंदा चला गया जो अकलमंद इंसान था जो दाना था जो गुरु था वो जब वापस आया था फिर से के बाद तो जैसे कि तय किया था कि पूछेगा उसने उन्हीं 3 स्टूडेंट्स को बुलाया और पूछा कि भाई आप पहले जिसको 5 दिए थे गोल्ड बॉक्सेस उससे पूछा कि भाई आपको गोल्ड बॉक्सेस दिए थे आपने क्या किया। उसने कहा कि जी मैंने एक गोल्ड बॉक्सेस को टैलेंट्स को यूज़ किया है और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करूँ कि इसको इंक्रीज करूँ और शुरू में मुझे मुश्किल हुई है समझ नहीं आ रही थी लेकिन बाद में मैंने भी काम किया तो ऐसा ऐसा करके मैं 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 और अब मेरे पास 10 गोल्ड के डब्बे हैं या 10 गोल्ड बॉक्सेस हैं और ये उसका सारा रिकॉर्ड है। सो वेरी वेल डन जबरदस्त। दूसरे बंदे ने जब बुलाया कि आपने क्या किया गोल्ड पॉइंट के साथ गोल्ड के बॉक्सेस के साथ। उसने कहा कि मैंने भी कोशिश की कि स्क्रिप्टलाइज करूँ कहीं इस्तेमाल में लाऊँ और मैंने कोशिश की मेहनत की नहीं समझ आ रही थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आने लगी और थोड़ा मुश्किल हुई थोड़े फेलियर्स आए लेकिन बाद में मैंने भी इससे 2 से 3 और 3 से 4 अभी मेरे पास 4 गोल्ड बॉक्सेस हैं और ये उसका सारा रिकॉर्ड है। वेरी वेल डन माशाल्लाह जबरदस्त। तीसरे को बुलाया उसको कहा भाई आपको दिया था 1 टैलेंट 1 गोल्ड बॉक्स व्हाट हैव यू डन विद इट। तो कहने लगा कि सर मैंने तो सबसे पहले ना ऐसी जगह ढूंढी है
यहां पे किसी की नजर ना पड़े। जंगल में चला गया हूं, घड़ा खोदा है और इसको मैंने वहां पे दबा दिया। ऊपर मैंने घास फूस वगैरह सारी डाल दी ताकि किसी की नजर ना पड़े और कोई चोरी ना कर सके। आज आप आ रहे थे लिहाजा मैं ये निकाल कर ले आया हूँ आपके पास। अब यहाँ पे जो आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ये इसके एंड अभी आपको बता दूँ। यहाँ पर उसने क्या किया, जो जो दाना इंसान था, जो अकलमंद था, उसने क्या किया, उसने कहा कि यदि जो एक गोल्ड का डब्बा है ये इस बंदे से लेकर उसको दे दें जिसके पास 10 है। अब बजाय देखने में ना इंसाफी लग रही है, उस बेचारे के पास पहले ही एक है, उससे भी लेके उसको दे दिया जिसके पास 10 है। तो उसने कहा, जो जुमला बताना चाह रहा हूँ जिसके लिए आपको मैंने सारी स्टोरी सुनाई है, उसने कहा कि ये इसका अहल ही नहीं था। याद रखें कि जब जिसको ऐसी चीज मिल जाए जो उसका अहल ना हो वो उससे ले ली जाती है। अल्लाह पाक ने आपको दुनिया में भेजा है बेशुमार टैलेंट्स देकर, बेशुमार स्किल्स देकर, बेशुमार फैकल्टीज देकर, और अगर आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अल्लाह पाक का कानून है वो आपसे वो टैलेंट ले लेगा। वो नेमत जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया, जिसको आपने यूटिलाइज नहीं किया, वो आपसे ले ली जाएगी। तो बेहतर यह है कि जो टैलेंट आपको मिला है उसको आप इस्तेमाल करें। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, मैंने आपको बेहतरीन बनाया है। योर अहसन तकवीम, किसी क्रिएशन के लिए अहसन तकवीम का लफ्ज नहीं आया, आपको जब क्रिएट किया गया तो अहसन तकवीम का लफ्ज यूज किया गया। अहसन तकवीम, यू आर द बेस्ट क्रिएशन अमंगस्ट ऑल द क्रिएशन, आप सबसे बेहतरीन हो। अल्लाह ने आपको बेशुमार टैलेंट, बेशुमार नॉलेज, स्किल्स देकर भेजा है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर। अब आपने क्या किया, आप में से यानी हम जैसे बहुत सारे हैं, हम क्या करते हैं उसको कहीं गड्ढे में मट्टी में दबाया होगा, जब दबाएंगे तो क्या होगा, फिर वो हमसे ले ली जाएगी। आप अपनी लाइफ में देखें, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास टैलेंट था लेकिन उन्होंने जब उसको यूटिलाइज नहीं किया वो उनसे ले लिया गया। हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में एक जबरदस्त स्पीकर था, बड़ा अच्छा डिबेटर था, बड़ी अच्छी स्पीचेस करता था, लेकिन जब वो कॉलेज में गया उसने छोड़ दिया इस तरह का। अभी उससे अगर कहें, हमारे स्कूल में तकरीबन 2 से 2500 की स्टैंड होती थी, 2-2500 स्टूडेंट्स के सामने वो खड़े होकर स्पीच करता था, लेकिन जब उसने छोड़ दिया अब वो 5 बंदों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसे वो टैलेंट दे दिया। जब आप नेमत की कदर नहीं करेंगे तो नेमत आपसे ले ली जाएगी। तो पहला जो आज का जो लेसन है वो ये है कि आप इस बात पे बिलीव करें कि आप कोई डिग्रेडेड, डीमोरलाइज, डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ क्रिएचर नहीं है। अल्लाह ने आपको बेशुमार सलाहियतें देकर भेजा है और अभी तक इस मौजूदा सदी में, इस साल तक, इस दिन तक, दुनिया में आज तक ऐसा कोई आला, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन नहीं बनी जो ये नाप सके कि इस बंदे को, इस बंदे के अंदर कितनी सलाहियत है, इस बंदे के अंदर कितनी सलाहियत है, इस बंदे के अंदर कितनी सलाहियत है। There is no equipment, no machine has been discovered so far कि जो ये जज कर सके कि भाई इस एक बच्चे के अंदर कितना टैलेंट छुपा हुआ है। टैलेंट है आपके पास, सब कुछ है, जस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर इट। सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी मेहनत से आप वो सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कुर्सियों पे एक दिन कायदेजम भी बैठे हुए थे, ऐसे ही कुर्सियों पे एक दिन अब्दुल सतारी भी बैठा हुआ था, ऐसे ही कुर्सियों पे एक दिन कोई बड़ा इंसान, कोई कासिम निशान, कोई बिल गेट, कोई स्टीव जॉब, ऐसे ही एक दिन स्कूल में बैठे हुए थे, लेकिन उनको उनको पता लग गया कि हमारे अंदर कुछ है, कुछ स्किल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और जिसको हम यूटिलाइज करके आगे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहला सबक, पहला कॉन्सेप्ट आज का ये है कि आपने क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ को डिग आउट करना है। अभी मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसकी क्या तरीका है। समझ आ गई बात? अब पहले